महोदय दीप प्रज्वलन करते हुए आपकी बहुत जोरदार करतल ध्वनि चाहूंगा। हम आगाज करते हुए माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय भी दीप प्रज्वलन कर इस मेले का उद्घाटन संपन्न होने जा रहा है। आपकी बहुत जोरदार तालियां चाहूंगा इस अवसर पर। हमारे सभी विशेष अतिथिजन अब मेले के भ्रमण के लिए और इस साल का निर्देशन कोतवाली पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। रंग बिरंगे रंगों में छटा बिखेरती हुई चंदेरी की साड़ियां, जिसका अभी अभी माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री मनोहर लाल पंत राज्य मंत्री श्रम एवं सेवायोजन उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा किया गया है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय इस साल नंबर 3 पर गुजरात और राजस्थान वाले एरिया सर गुजरात ही द्वारा किया जा रहा है। माननीय DGP उत्तर प्रदेश के निर्देशन पर पुलिस अधीक्षक महोदय की अध्यक्षता में पुलिस लाइन प्रारंभ कर रहा दीपावली इस कॉल नंबर और पुलिस के बीच में प्रेम सामंजस्य मजबूत करने में अत्यधिक सफल होगा। इसी भावना से आयोजित ये मेला इसका अभी अभी माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री मनोहर लाल पंत राज्य मंत्री श्रम एवं सेवायोजन उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा किया गया है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय में मेले का आयोजन किया गया, क्या इसका उद्देश्य है, क्या इसकी पहल है? कोविड महामारी के दौरान देश भर में करीब 1 साल तक त्यौहार देश का नागरिक नहीं मना पाया था। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए शासन की मंशा के अनुरूप कि लोगों के बीच में त्यौहारों का हर्षोल्लास पुनः वापस आए, इसलिए शासन की ये मंशा रही है कि जो हम लोग त्यौहार हैं वो पुनः धूमधाम से मनाएं। इसी क्रम में पुलिस लाइन में पुलिस मेले का आयोजन किया गया आज दिवाली के दिन, जिससे कि जो पुलिस बल पुलिस लाइन में मौजूद है वो पूरे त्यौहार का पूरा हर्षोल्लास तक मना सके, उसका पूरा वो कर सके उत्साह के साथ। इसी मंशा के साथ इसको आयोजित किया जा रहा है। सर, जिस तरह से जनता और पुलिस के बीच में दूरियां बढ़ गई थी, उसका भी क्या इस मेले से वो है संबंध कि जिस तरह से पुलिस के पास आए और सामान खरीदे, जो डर का माहौल था वो पूरी तरह से खत्म हो गया? बिल्कुल, इस मेले में शहर के लोग सादर आमंत्रित हैं, वो आए यहाँ पर सामान खरीदें। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी जो इंटरेक्शन होगी, जो उनकी बातचीत होगी, इससे आपस की जो दूरियां हैं, जो मतभेद हैं, जो कोई ऐसी बात है वो भी दूर होगी, पुलिस की छवि सुधरेगी और इससे इन जनरल जो है पुलिसिंग में सुधार आएगा।